जोगी एक इंडियन ड्रामा फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और अब फाइनली मैंने इस फिल्म को देखकर ख़त्म कर लिया है। और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के ज़रिए मेरा इस फिल्म को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूँ। तो चलें अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस फिल्म को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप इस फिल्म में देखेंगे कि 1980s का दौर है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद इंडिया में सिख कम्युनिटी के खिलाफ दंगे और फसाद शुरू हो जाते हैं। और जोगी जो दिल्ली शहर का रहने वाला है वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी फैमिली और अपनी कम्युनिटी के लोगों की जान बचाने की कोशिश करने लगता है। और फिर आगे कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखकर कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये फिल्म मैंने इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखी है और ना ही ये फिल्म देखकर आप इंटरटेन होंगे। अगर आप इंटरटेनमेंट चाहते हैं तो फिर आप कोई दूसरा शो देखें, ये फिल्म देखकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये फिल्म अपनी पूरी फैमिली के साथ एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये फिल्म रियल इवेंट से इंस्पायर एक बहुत ही सैड और ट्रेजिक और हॉरिफिक स्टोरी है। ये फिल्म आपके दिल को पूरी तरह से हिला देगी, आपकी आंखों में आंसू ले आएगी और आपको बहुत कुछ सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। ऑल्दो हम इस टॉपिक पर पहले भी कुछ शोज देख चुके हैं और उन शोज में चीजों को थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग में भी दिखाया गया है, और इस फिल्म को लेकर आप ये बहस कर सकते हैं कि इस फिल्म में डिटेलिंग कम है और चीजों को पूरी एक्यूरेसी के साथ नहीं दिखाया गया है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये एक फिल्म है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। कोई भी फिल्म जो किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड होती है उसमें सब कुछ 100% डिटेलिंग और एक्यूरेसी के साथ नहीं दिखाया जाता है। स्टोरी को थोड़ा बहुत फिक्शनलाइज किया जाता है, इसीलिए कोई भी फिल्म जो किसी भी रियल इवेंट पर बनाई जाती है उसको लेकर हमेशा आपको 10 या 20% एक ऐसी ऑडियंस देखने को मिलेगी जो फिल्म की एक्यूरेसी और डिटेलिंग को लेकर उसकी बुराई करती नजर आएगी। आपको बस देखना यह होता है कि क्या फिल्म कम टाइम में ऑडियंस तक अपना मैसेज सही तरह से दे पाई है या नहीं, ऑडियंस पर एक अच्छा इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट कर पाई है या नहीं, ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर पाई है या नहीं। और मेरी नज़र में जोगी फिल्म ये तीनों काम करने में पूरी तरह से कामयाब रही है। ये फिल्म बिना कोई टाइम वेस्ट करे आपको स्टार्ट से इजीली इंगेज कर लेती है और एंड तक आपको पूरी तरह से बांधे रखेगी। और बस यही नहीं, कुछ कैरेक्टर्स भी आपको इस फिल्म के थोड़े बहुत पसंद आएंगे, उनके लिए आप थोड़ी बहुत केयर भी फील करेंगे और कुछ कैरेक्टर्स को आप पूरी तरह से हेट करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज ओवरऑल इस फिल्म में सॉलिड हैं। फिल्म का जो म्यूज़िक है, जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है, वो सब कुछ भी अच्छा है। इन शॉर्ट मैं इस फिल्म को रेट करूँगा 8 out of 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि ये फिल्म आप एक बार अपनी पूरी फैमिली के साथ जरूर देखें। तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।